तो और कैसे हो मेरे बैटल ग्राउंड्स वाले भाइयों। तो भाइयों आज की गेम प्ले वीडियो देख कर ना आपको शायद ऐसा लगे कि भाई आज जो ही रेंगल में मेरे से ऊपर वाला भी नाराज था। भाई हुआ ही कुछ ऐसा भाई मेरे साथ आज। वैसे तो देखो 3-4 दिन से जो है मेरा इंटरनेट ऑफ है, मुझे जो है मोबाइल डाटा में खेलना पड़ रहा है, क्योंकि भाई वो पहले वायरलेस था और अभी जो है 2-3 दिन में भाई हमारे यहाँ भी भाई फाइबर आने वाला था, तो अभी उसी की तैयारी चल रही है। शायद 1-2 दिन में भाई फाइबर वाला मिल जाए तो फिर जो भाई मैं अच्छे से वीडियो डाल पाऊंगा। मतलब 1-1 घंटे तक मुझे अपलोडिंग पे नहीं लगा कर रखनी पड़ेगी। तो अब देखते हैं कि भाई कितने दिन में कनेक्शन मिल जाता है, तो फिर अच्छा हो जाएगा भाई। इसलिए वाईफाई बंद हो गया भाई मेरा 2-3 दिन से। तो कुछ तो भाई नेट की प्रॉब्लम और कुछ भाई आज किस्मत ही ऐसी चल रही। बाकी आप ये देखो वहां पर जो है भाई एक बंदे ने भाई हमारे 2 नंबर को टपका दिया। करने में लग रहा है बुंदी शक्ल का। अब यहाँ पर भाई मैं इनको तो टपका देता हूँ, बंदा लेकिन मेरी एमओ देखो भाई सिर्फ है 13 एमओ क्या? बची थी और यहाँ पर एक बंदा दर्शन दे जाता है। अरे भाई चोर गए, बंदा अब यहाँ पर भाई ये बंदा जो है बिल्कुल 1 HP बच गया था, लेकिन भाई क्या करे यार एमओ ही नहीं थी। अगर 2 एमओ और होती ना भाई तो मैं उसको टपका देता। खैर अब जो है हम आ गए थे भाई नेक्स्ट मैच में और यहाँ पर आते ये देखो भाई मैं जो है जहाज से भाई जंप कर रहा था, लेकिन जहाज वाले बोल रहे थे कि मत जा यार किलचोर भाई मत जाओ यहीं पर रहो। तो भाई ये मुझे भेजने के लिए ही तैयार नहीं थे। फिर पता चला कि भाई नेटवर्क की ऐसी तैसी हो गई। तो आज वाले मैच में ना भाई इसमें पूरे में मैच में भाई देखो ऐसा ही कुछ रहा, लोडिंग लिखा रहा था भाई, किसी भी टाइम आ जाता था भाई, फाइट के टाइम भी आ गया था यार। तो आज का ये मैच बहुत ज्यादा ये भी नहीं खतरनाक पता होने है। वाला है ऐसी इंटरनेट स्पीड में भाई। मतलब कहीं भी जब ये लिखा रहा था भाई इसमें देखो हम कैसे किल निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखो हम आ गए थे जोर्जो में, यहाँ पर किसी ने लाल घोड़ा चलाया था और एक नहीं भाई दो दो लाल घोड़े चलाए थे। अब मैंने अपने टीममेट्स को बोल दिया था कि जहां पर भी बंदा दिखे उसे लपेट देना, क्योंकि मेरा नेटवर्क जो भी आज खराब था। अब उस साइड जो है हंटर को एक बंदा दिखा माफिया, लेकिन भाई इसने इसको बिल्कुल भी माफ नहीं किया, टपका दिया भाई उसको। अब सामने जो भाई मुझे एक बोटनी की बुआ का लड़का आता हुआ दिखा, तो भाई मैं इसको लपेट देता हूँ। और कुछ भाई ये भी बोल रहे थे कि भाई पिछली वाली वीडियो में भाई मैंने शायरी क्यों नहीं की थी, तो इसलिए नहीं की थी भाई। देखो मैं ना अभी कुछ और सोच रहा था कुछ और करने को, क्योंकि अभी क्या चल रहा है भाई मेरे इस चैनल से तो जो है जो मैं वीडियो डालता हूँ ना उसकी नोटिफिकेशन नहीं जा रही। पता नहीं भाई क्या गलीच हो गया, लेकिन इस चैनल से जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन नहीं जाती, बहुत कम को जाती है। और मेरे पास ऐसी ऐसी कमेंट आती है कि भाई हमें जो है सर्च करके वीडियो देखनी पड़ रही है, नहीं तो वीडियो की नोटिफिकेशन ही नहीं आ रही। पता नहीं भाई ये क्या पंगा हो गया भाई मेरे साथ। खैर जो भी है ठीक है, देखते हैं कब तक ये रहेगा। अगर ठीक होता तो ठीक है, नहीं तो क्या पता भाई मुझे दूसरे चैनल पर भी शिफ्ट होना पड़ जाए, क्योंकि भाई अब कब तक वेट करूंगा यार, नोटिफिकेशन ही नहीं भेजता भाई यूट्यूब इस चैनल से। पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई है एकदम से। खैर आप ये देखो इस टॉपिक पे तो मैं अलग से वीडियो बनाकर उसमें बात करूंगा। तो अभी जो है हम आ गए थे भाई बॉयज हॉस्टल में और यहाँ पर देखो लोडिंग लिखा आ गया था भाई उसी टाइम। और जैसे ही मैं ऊपर जाने वाला था भाई इस बंदे ने बोला कि नहीं भाई किलचर तू मत जा तू नीचे ही रहो। और ये देखो भाई अरे भाई एक बार बोलो तुम अंबानी के घर के बाहर है भूगड़ कर देंगे हम। कर लो एक और आ गया तो एक और आ गया आ गया। अब यहाँ पर भाई ये वाली स्क्वाड तो खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पर भाई मैं किल नहीं कर पाया। और इस वाले मोड में भी ना भाई ये वाला तो ठीक है यार कि एक बार और बुला सकते हैं अपने टीममेट को। इसकी वजह से भाई मेरी केडी फिर से भाई 6-7 की चल रही है, शायद 7 के करीब की ही चल रही है। और इस मैच में ना भाई हमने आज चार चार लाल घोड़े लूटे भाई, मतलब 3 लाल घोड़े तो भाई जोर्जो में चले हुए थे और 1 यहाँ पर। तो अब यहाँ पर भाई मुझे MG3 मिल गई थी और लोडिंग लिखा आ गया था, अगर यहाँ पर बंदे आ जाते ना भाई तो मैं टपक जाता। वैसे अभी जो है हम आ गए थे यहाँ पर और यहाँ से ना एक बंदा भाई हमारे 3 नंबर को परेशान करने लग रहा था। और अब ये है आम जिंदगी। और लो भाई ये है हराम जिंदगी। अब इन बंदों का ध्यान जो भाई 3 नंबर पर ही था और इनका एक टीममेट ये देखो भाई खिड़की में खड़ा होकर भाई झांकने लग रहा था। भाई किल चोर इसको थोबड़ा दिखाई दे दो।
ऑल डेड भाई, पहुंच ही नहीं पाया सब खत्म हो गए। अरे किल तो भाई अब इन बंदों को तो भाई टपका देता हूँ, लेकिन मुझे डर इस बात का था भाई अगर यहाँ पर अब लोडिंग लिखा जाता ना भाई तो मैं ऊपर ही पहुंच जाता भाई, अब दोबारा मुझे कोई नहीं बुला पाता। और अभी जो भाई हंटर किसी और साइड जो फाइट ले रहा था और हमें पता था कि भाई वो टपकेगा, अब उसका टाइम आ चुका है, इसलिए मैं पहले ही जो भाई यहाँ पर टावर के पास आ जाता हूँ भाई और इनको रिकॉल कर लेता हूँ। वैसे भी भाई अब छोटा सर्कल रह गया था तो फायदा उठा लेना चाहिए भाई इसका भी, अगर आपको लगे कि भाई अब सर्कल खत्म होने वाला है तो अपने एक टीममेट को भाई कहीं और रखो जहां से वो रिकॉइल कर सके और फिर आप भाई दबा कर फाइट लो घुस घुस कर। अब मुझे ये लग रहा था कि भाई ये बंदे जो है शायद अपने टीममेट को भाई रिकॉइल करने के लिए आ रहे थे, लेकिन भाई इनके साथ ही स्कैम हो गया भाई, दोनों के दोनों भाई गए भाई एक ही सपरे में और दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई हमारे यहाँ पर जो 8 किल हो गए थे, जबकि भाई मुझे उम्मीद तो भाई आज एक की भी नहीं थी। अरे भाई किल चोर नहीं है इंटरनेट अच्छा, फिर भी रेंगल में हर कोई करेगा गोरे, हाथ में होगी M4 और पेटिया चमकाकर 9-2-11 हो जाएगा किल चोर। कैसी लगी भाई किल चोर बता तो दो यार। अब यहाँ पर भाई एक बंदे को तो मैं सामने नोक कर देता हूँ और भाई देखो कैसे ओपन में रिवाइव देने लग रहा है भाई मैं हंटर को, वैसे उसको रिवाइव देकर भाई मैं आ जाता हूँ भाई अकेला ही, मुझे जो भाई आज किल की पड़ी थी भाई किल अच्छे नहीं हुए थे तो अभी जो मैं इसको नोक ही करने वाला था, लेकिन भाई मेरा किल चोरी हो गया यार, किल चोर के भी किल चोरी होते हैं। और ये देखो अभी भाई इस टाइम लोडिंग लिखा आ गया, एक बार तो दिल में धक धक होने लग गई थी कि भाई अब जब आऊंगा ना वापिस मैच में तो पेटी चमकी मिलेगी, लेकिन बच गया भाई मैं तो अभी इसको तो टपका देता हूँ, लेकिन यहाँ पर भाई इसकी पूरी की पूरी स्क्वाड थी। अब मैं यहाँ पर भाई इनको बोलने लग रहा था कि भाई मेरे से उम्मीद मत लगाओ भाई कि मैं तुम्हें बचाऊंगा यार, मेरा तो इंटरनेट भाई बिल्कुल खराब है भाई आज और बीच बीच में लोडिंग लिखा रहा, तो ये बोलने लग गए कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन भाई ऐसा ही था आपने देख लिया होगा मेरे इंटरनेट की ऐसी तैसी हो रही थी भाई आज। और अभी जो है 3 बंदे बचे हुए थे जिसमें से 2 बंदे जो है सामने थे लेकिन कहाँ थे वो नहीं पता था, तो एक जो है यहाँ पर भाई ये काला नाग बनकर लेटा था तो भाई इसने मुझे डस लिया भाई। सो सैड भाई किल चोर, सो सैड। तो ये बंदा ही भाई यहाँ पर टपक जाते और अब बचा था एक लास्ट बंदा जो कि भाई मीटअप वाला था। अब ये बंदा जो है इतनी देर से भाई अपनी सांस से रोक कर बैठा था भाई इस कोने में कि कब हम जो है पूरे रेंगल को खाली करे और फिर भाई ये हमारे से बातें करे। वैसे इसने भाई स्टोरी भी मेंशन की थी, मैंने देख ली थी। तो अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया ना तो आप भी भाई जरूर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। और क्या भाई तो अब ये लास्ट बंदा बचा था, एक बार तो हमारा मन था कि आज फिर जो है अपने इस भाई को ही डिनर दे दे भाई, लेकिन फिर भाई मैंने देखा कि 13 किल है तो क्यों ना 14 किल कर दे, वैसे भी भाई फरवरी का महीना चल रहा है तो इसलिए मैं 14 किल कर देता हूँ।